गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास तक लेक्चर नंबर 9 फिनिश हो गया था। आज हम लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा बोर से एटॉमिक मॉडल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हाँ अभी एक दो वैरायटी और बची रह गई है क्वेश्चन की। पहले हम उसको ख़त्म करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके आगे आज हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपको चैलेंज क्वेश्चन मिला था, पहले हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लें। हाँ, आपके क्वेश्चन में यहाँ पर मिसिंग आ रही थी ना, यहाँ पे ये जो 6.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको सही कर लेंगे। अगर आपने क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि इसके आसपास कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, तो भी ऑप्शन नंबर डी ही सही आएगा। ठीक है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन दिया है द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। हीलियम आयन के लिए मुझे एक्साइटेड स्टेट की पॉसिबल एनर्जी निकालनी है। बताइए, एक्साइटेड स्टेट के लिए नंबर ऑफ सेल कहाँ से स्टार्ट होती हैं? फर्स्ट से या सेकेंड से? सेकेंड से, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब होगा? देखिए, अगर मैं सेल्स एनर्जी सेल बनाऊँ तो n=1, 2, 3, 4 ऐसे ऊपर जाता रहेगा। ये मेरा होता है ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब जब यहाँ से जंप करके कहीं आगे जाएगा, यहाँ से जंप करेगा यहाँ पहुँचेगा, यानी कि ये है मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हमारा सेकेंड, और ये हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट सेल से किसी दूसरे सेल में जंप करके जाता है तो वहाँ 10^-8 सेकेंड के लिए रुकता है। कितना? 10^-8 सेकेंड के लिए रुकता है, फिर उसके बाद वापस आता है। तो ये मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=2। तो मैं एक्साइटेड स्टेट के लिए मैं एन की वैल्यू रखूँ, मुझे क्या क्या लेना है? सो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2, 3। इसने ये नहीं कहा है कि कितने एक्साइटेड स्टेट हैं, इसने तो कहा कि बस आपको वैल्यूज देखना है और उसके बाद चेक करना है। यानी कि हम ऐसे ढेर सारे नंबर लिख लेंगे। ये नंबर कहाँ तक हो सकते हैं? इन्फिनिटी तक। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हम सबके लिए कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नहीं, हम इस वैल्यूज को तब तक ही कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक मेरे जितने ऑप्शंस हैं उसमें से मैक्सिमम वैल्यू वाली ऑप्शन हमें ना मिल जाए। कौन सी ऑप्शन? मैक्सिमम वैल्यू वाली ऑप्शन ना मिल जाए। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब मैं अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बताइए एन की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? 1 या 2? हाँ, एन की वैल्यू क्या आएगी? 2। हमेशा याद रखिए, अगर आपको एक्साइटेड स्टेट पता है और नंबर ऑफ सेल पूछा जा रहा है तब बस उसमें +1 कर दीजिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था ना, इसमें +1 कर देंगे, क्या बन जाएगा? 2। अगर मैं कहूँ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो आप तुरंत कहेंगे सर इसका मतलब n=5 की बात हो रही है। चलिए, तो n=2 आपको पता है, तो फॉर्मूला पहले लगा लीजिए en का। en का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, हीलियम आयन तो फिक्स हो गया ना? हाँ, मेरा नंबर ऑफ सेल तो बदलता जाएगा हर एक एक्साइटेड स्टेट के साथ, लेकिन ये जो जेड है ये तो सेम रहेगा क्योंकि हीलियम आयन ही है। हम पहले जेड की वैल्यू ही रख लेते हैं, -13.6। बताइए हीलियम आयन के लिए जेड की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 13 × 4 = 52। हाँ, ये हो जाएगा -54.4/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मुझे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालना है, तो मैं लिख लूँ यहाँ पे फिर से फर्स्ट। अब मैं एक्साइटेड स्टेट को शॉर्ट पे लिख रहा हूँ ES, यानी कि n=2 रखना है। तो बताइए E2 का वैल्यू कितना आएगा? -54.4/ देखिए n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4।
तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 4, इसको डिवाइड करें आप, ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिल गई आपको पहली एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू। चलिए अब इसी तरह हम सेकेंड कैलकुलेट कर लें। बोलिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, 3 होगी। इसी तरह सब कुछ सेम रख के आप E3 कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। देखिए आपको E3 क्या मिलेगा? -54.4 अपॉन, बताइए n का स्क्वायर ना, इस बार n की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? गुड, 9। तो हम यहाँ लिख लें 9 और इसको डिवाइड कर दें आप, तो आई थिंक -6.044 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। नेक्स्ट चेक करें। अच्छा अभी आपको माइंड में आ रहा होगा सर नेक्स्ट क्यों चेक करें, तो आंसर मिल गया ना। आइए देखिए नेक्स्ट क्यों चेक करना है। मेरे पास ऑप्शंस में -54.4 से लेके कई ऑप्शंस है, मुझे चेक करना होता कि सबसे बड़ी ऑप्शन कौन है। बताइए इस पूरे वैल्यूज में सबसे बड़ी ऑप्शन कौन दिख रहा है आपको? हाँ -3.4 है, ठीक है। यानी कि मुझे तब तक कैलकुलेशंस करते रहने हैं जब तक मैं -3.4 से बड़ी वैल्यू को अचीव नहीं कर लेता। तो चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। E4 के लिए बताइए क्या आएगा? -15.4 अपॉन 4 का स्क्वायर यानी कि 16, इसको डिवाइड करें, -16 3 जा 48 16 4 जा 64, ये आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो एक और चेक कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है बट आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर से देखिए -54.4 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, डिवाइड करेंगे तो -2 फिर 44 फिर 1 कितना जाएगा? 19, हाँ 19 यानी कि 190, सो 7 टाइम्स 125, सो 125 90 15 150। आई थिंक ये वैल्यू लगभग -2.176 के आसपास जाएगी। ये वैल्यू ज़्यादा मिल गई, अब इससे ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। अब मुझे अपने आंसर्स मैच करने हैं। देखिए मेरा पहला ऑप्शन मुझे क्या दिया गया है? -54.4 एंड -13.6। मुझे चेक करना है क्या मुझे कहीं -54.4 मिला है यहाँ से, है ना। तो देखिए पहली वैल्यू मुझे क्या मिली है? -13.6। दूसरी वैल्यू मुझे क्या मिली है? -6.044। तीसरी वैल्यू -3.4 एंड चौथी वैल्यू -2.176। अगर आप सारी वैल्यूज को ध्यान से देखें तो पहला क्या मिला? -13 के आसपास, फिर -6, फिर -3, -2। अगर हम इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये वैल्यू लगातार बड़ी हो रही है। क्या मुझे पॉसिबल है कभी भी -54.4 मिल जाए या 54 मिले? नहीं। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये 6, ये 3, ये 2, लगातार वैल्यू कम हो रही है। तो क्या मुझे 54 का भी मिलेगा? नहीं। यानी कि ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है 54.4, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये गलत है तो ये ऑप्शन ही नहीं सही हो सकता, क्योंकि दोनों सही होते तभी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए -54.4 ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तो मैच कर रहा है आपका, इसमें ये भी मैच कर रहा था, लेकिन दोनों पेयर मैच करना चाहिए क्योंकि इसमें से एक पार्ट मैच नहीं कर रहा था, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इसी तरह ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ये एक ऑप्शन है, देखिए ये, देखिए ये वैल्यू, यानी कि कौन सी है? थर्ड से लिख ली, यानी कि सेकेंड एक्सेलरेटेड स्टेट की वैल्यू -6.044। ये देखिए इसी से मैच ये वैल्यू करेगी, -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये जीरो नहीं होता, 4 भी रहता, तो भी ऑप्शन का आप यही टिक करते क्योंकि और सारे ऑप्शंस तो गलत है। एक यही ऑप्शन है जो उससे मिलता जुलता आसपास है। डेसिमल में मैंने पहले कर रखा है कि थोड़ी बहुत वैल्यू आगे पीछे होंगी तो आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि अब तक आपने क्या क्या सीख रखा और आपको क्या क्या याद हो चुका होगा। RN, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम
या अगर हम नैनोमीटर में इसी को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ बोर ऑर्बिट दैट इज 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ बोर ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ सेल दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमने कहा था एक छोटा सा रिलेशन भी आपको याद रखना है, टोटल एनर्जी क्या होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ये वैल्यू किसके इक्वल होती है हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। यानी कि अगर मुझे किसी भी सेल की टोटल एनर्जी पता है तो मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ माइनस का सिंबल लगा के, और मैं उसका पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ टू से मल्टीप्लाई करके। कर सकते हैं, चलिए आइए जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इस अब हम क्या करते हैं ना, अब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को, हाँ बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम पीछे जो फोटोन था उसकी इक्वेशन से रिलेट करेंगे और उसके बारे में कुछ डिटेल्स निकालेंगे। देखिए कैसे, रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन एन इक्वल टू 4 टू एन इक्वल टू 2 कह रहे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि n इक्वल टू 4 से ट्रांजिशन शो करता कहाँ पर, n इक्वल टू 2 पर, यानी कि यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप मारता है और कहाँ जाता है n इक्वल टू 2 पे। पहली चीज क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके नीचे आ रहा है तो बताइए ये एनर्जी रिलीज करेगा कि एब्जॉर्ब, जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि ऊपर वाले सेल की एनर्जी ज़्यादा होगी नीचे वाले सेल की एनर्जी कम होगी, तो ये ऊपर से जब भी नीचे जंप करेगा अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। एक चीज देखिए आगे क्या कह रहा है, इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है, फॉल्स ऑन ए सरफेस ऑफ ए सर्टेन मेटल हुज फाई इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है पहले जेड की वैल्यू आप लिख लें हाइड्रोजन एटम वन के लिए, तो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है, ये फोटोन, फोटोन के फॉर्म में, और ये जो लाइट यहां से निकल रही है अगर वो किसी एक मेटल से टकराया है, ठीक है इस मेटल की फाई की वैल्यू दी गई है यानी कि इसका वर्क फंक्शन आपको दिया गया है, कितना दिया है देखिए एक बार, वर्क फंक्शन इज इवन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये जो लाइट आ रही है लाइट का पैकेट फोटोन, इसके पास एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी जितनी एनर्जी ये रिलीज करेगा यहां से तक आने में उतनी एनर्जी की लाइट इस एक मेटल सरफेस पर गिरती है, अगर आने वाली जो लाइट है इसके पास एनर्जी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जिसको हम क्या कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट बात समझ में आ गई। अगर इसकी एनर्जी कम हो गई तो क्या उस केस में यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। और देखिए क्या कह रहा है, ये कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि जो लाइट आ रही है अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यह बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, उस इलेक्ट्रॉन के लिए के ई मैक्स आप कैलकुलेट करें, उस इलेक्ट्रॉन के लिए आप के ई मैक्स कैलकुलेट करें यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करना है। चलिए पहली बात तो मुझे ये पता लगाना होगा कि ये जो लाइट आ रही है ना उसकी एनर्जी कितनी है, और मैंने अभी कहा ये लाइट कहाँ से आई है, यहाँ से यहाँ एनर्जी जो जंप करने के बाद निकली थी वहीं से आई है, यानी कि इसकी एनर्जी इनके जंप करने से रिलीज होने वाली एनर्जी के इक्वल होगी। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन बताइए वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, गुड मॉड ऑफ डेल्टा ई, मॉड ऑफ डेल्टा ई क्यों, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी या नेगेटिव आएगी, हमें तो वैल्यू को सिर्फ पॉजिटिव ही यूज करना होता है क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो वैल्यू कैसी आती है नेगेटिव में, जबकि वही वैल्यू अगर एब्जॉर्ब होती तो कैसी रहती है पॉजिटिव में, तो उससे हमें परेशान नहीं होना है। मुझे एक चीज़ पता है कि जो भी फोटोन होगा उसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, इसलिए हम मॉड की वैल्यू लगाते हैं कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके जा रहा है, सेकेंड सेल पर यानी कि ई टू, कहाँ से जा रहा है फोर्थ सेल से माइनस ई फोर, तो आइए पहले हम ई टू कैलकुलेट कर लें, इस वैल्यू हम पीछे ही कैलकुलेट कर लेते रही। देखिए
ई टू के लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन टू का स्क्वायर माइनस, ई फोर के लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन फोर का स्क्वायर। देखिए मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढ लें। यहाँ कॉमन मिलेगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से क्या बच गया, 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर माइनस, यहाँ से यह सब बाहर चला गया, क्या बच गया, 1 अपॉन एन फोर का स्क्वायर बचेगा। चलिए अब मैं ऊपर वाले को इरेज कर दूँ, मुझे ऊपर जगह मिल जाएगी थोड़ी सी। अब देखिए ये है माइनस 13.6, जेड की वैल्यू मुझे पता है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1। ये देखिए 1 अपॉन एन टू यानी सेकेंड सेल, सेकेंड का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन एन फोर यानी कि फोर्थ सेल, तो 4 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा ये 16। अब इसको भी रफ कर दें, ये वैल्यू देखिए कितनी होगी, माइनस 13.6 मल्टीप्लाई करने के कोई फ़ायदा नहीं, सेम आ गया। इनका एलसीएम आप ले लें, 16 डिवाइड करें 4 16 1, यानी कि आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस 13.6 इंटू 4.1 यानी कि 3 अपॉन 16 मिलेगी। अब देखिए कहीं डिवाइड हो रहा है क्या कुछ, 16 4 से डिवाइड करें, ये देखिए 4 जा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 जा 12 एंड 4 जा 16 सही है। और देखिए ये डिवाइड हो जाएगा माइनस 0.8 32 220 85, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू माइनस में 35 जा 50 38 जा 24 25, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, मेरे हिसाब से ये वैल्यू इतनी आएगी माइनस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो आप इसको वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ये सब सॉल्व होके क्योंकि मॉड में रखना है तो माइनस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, मॉड का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी हो गई 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से जम करके कहाँ जाएगा, सेकेंड सेल में, राइट। यानी कि वहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी उस रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी है, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये जो लाइट आ रही है, लाइट का पैकेट, इसके पास एनर्जी कितनी है, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए क्या आने वाली लाइट की एनर्जी इससे ज़्यादा है, बिल्कुल है। अगर आने वाली लाइट की एनर्जी ज़्यादा है तो बताइए यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं, निकलेगा ना, हाँ। तो चलिए अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा देते हैं, बताइए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 5 + KE max। तो देखिए E की वैल्यू कितनी आई अभी, 2.55, Y की वैल्यू कितनी है 2.1, और KE max मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ से KE max कैलकुलेट कर लें, इसको यही रहने दें, और इसको इधर शिफ्ट करिए, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2.55 माइनस 2.1। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा लें, तो ये हो जाएगा आई थिंक 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी वैल्यू आ जाएगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की, कितना 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यही कैलकुलेट करना था, यूनिट देख लेते हैं किसमें दिया है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो ये आंसर हो गया, छोड़ देंगे। अगर वो किसी और में दे दिया, जैसे कि जूल में दे दिया, तो हमें फिर इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ये देखिए ये वैल्यू आएगी माइनस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, वो इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा, क्लियर है, कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को बोर से टॉन्की मॉडल से रिलेट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन
हायर सेल से लोअर सेल में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, यानी कि फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। उस फोटोन के पास जो एनर्जी है, अगर वो किसी मेटल से स्ट्राइक करे तो हो सकता है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, जिसको हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो फोटोइलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मूव करेगा, उसी को ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो बस जितना रिलीज हुआ वो एनर्जी किसके हो जाएगी, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो पैकेट आ रहा लाइट का उसको हम बोलेंगे फोटोन, और ये उसकी एनर्जी हो जाएगी। फिर वो उसे टकराएगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, और जो वैल्यू बचेगा वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, के ई मैक्स की, और ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। आसान होता है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं, बस हाँ बच्चों को थोड़ा सा रिलेट करने में दिक्कत होती है, अब उम्मीद है आप आराम से कर पाएंगे। अगर थोड़ी दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पूरी कम्प्लीटली समझ लेंगे, ये सेम लाइन पे आपके लिए होमवर्क कर सकते हैं। चलिए ध्यान रहे, ये लिथियम आयन के लिए लगाया गया है, एन की वैल्यू चेंज कर दी गई है, फाई की वैल्यू भी बदल गया है, कितना है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ दिया गया है, तो आप अपना कर लेंगे। आपको ये वैल्यू दोनों में कैलकुलेट करनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी और जूल में भी, तब कर लीजिएगा। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि पूरी तरह से एक नया टॉपिक होगा। हाँ ये मैक्सिमम यहाँ तो थ्योरी पार्ट इसमें मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ नेक्स्ट लेक्चर जब हम इसे कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट, तो वहाँ पे इस पे भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, स्पेक्ट्रम। तो देखिए जनरली क्या होता है, जब भी एक लाइट आती है, जैसे कि हम सनलाइट की बात कर लें, तो किस कलर की होती है, वाइट कलर की, राइट। एक्चुअली वाइट कोई एक कलर नहीं है, वाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। जब हम 7 कलर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड को मिला देते हैं, मिक्सचर बना देंगे, तो उससे जो एक नया कलर बनता है वही कलर कैसा होता है, वाइट होता है। इसका मतलब सिंपली हम कह सकते हैं जो लाइट आ रही है ना वो वाइट इसलिए है क्योंकि दैट इज द मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। जब हम उसी लाइट को एक प्रिज्म से पास कराते हैं, तो वो क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, यानी कि जो वाइट कलर की लाइट आ रही है ये लाइट जब एक प्रिज्म से पास होगी तो अपने जिस कलर से ये बनी थी मिक्सचर से उन 7 कलर में अलग अलग टूट जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब इतना है टूट कर अलग होना। एक बार फिर से, ये जो लाइट वाइट कलर की आ रही है ये 7 कलर का मिक्सचर है और मिक्सचर होने की वजह से ये वाइट दिख रहा है। जैसे ये प्रिज्म से आकर टकराएगा तो प्रिज्म क्या करेगा, ये सारे मिक्सचर्स को अलग अलग कर देगा और ये अलग अलग होकर 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो 7 कलर ये मिक्सचर हुए थे एक में वो 7 कलर अलग अलग मिल जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है एक लाइट का प्रिज्म से गुजरना और 7 अलग अलग कलर में टूट जाना, इसे हम स्प्लिटिंग कहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं और उस पर इसकी सारी इमेज बनाते हैं, यानी ये जो कलर्स आ रहे हैं ना उसको वहाँ पे हम स्टोर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। ये होता है मेरा फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ पे जो मुझे पूरा 7 कलर का पैटर्न देखने को मिलेगा, इस पूरे पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, यानी कि यहाँ पे 7 कलर का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार फिर से, लाइट आई प्रिज्म से पास हुई वो 7 कलर में टूट गई, ये प्रोसेस जो हुआ दैट इज स्प्लिटिंग, उसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं। फिर मैंने इस 7 कलर को एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया तो वहाँ जो चीज़ देखने को मिली उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए डेफिनेशन वगैरह आप लिख लें, एक बार हम चेक कर लें सारे पार्ट विजिबल हैं या नहीं। हाँ थोड़ी सी दिक्कत है ना, चलिए अभी हम उसको सही करते हैं। हाँ अब सारे पार्ट विजिबल हो गया होगा। चलिए तो अ कलेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद डिफरेंट वेवलेंथ इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम, फॉर एग्जांपल रेनबो। अब हम अलग अलग वेवलेंथ, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग कलर हमें क्यों देखने को मिलते हैं, हाँ अलग अलग वेवलेंथ की वजह से। अगर हम वही वायलेट की बात करें तो उसकी वेवलेंथ काफ़ी कम होगी, जबकि रेड की बात करें तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि कोई भी कलर
क्यों मिलता हमें, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी वेवलेंथ कितनी है। जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे कलर चेंज होता जाएगा, वैसे ही अगर आप वेवलेंथ घटाते जाते हैं तो भी कलर चेंज होता रहता है। बात समझ में आ गई आपको? तो देखिए क्या कहा गया, कलेक्शन ऑफ रेडिएशन, यानी कि ऐसे रेडिएशन का कलेक्शन जिसमें कि अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हों, उनको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेनबो, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको क्या मिल जाएगा, रेनबो मिल जाएगा, सात कलर होती है ना। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड वन इज इमिशन स्पेक्ट्रम। एक और टर्म आपको कहीं घूमते फिरते देखने को मिल सकता है, आप इसकी लोड बिल्कुल ना लें, लेकिन हाँ कई बार आपको देखने को मिल सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे हमने एस्ट्रोनॉमी पढ़ा होगा ना, जो हमारे इन यूनिवर्स रिलेटेड जैसे स्टार्स मून सैटेलाइट्स प्लैनेट्स इनसे रिलेटेड स्टडी होती है, हम उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। उसी तरह से स्पेक्ट्रम की स्टडी को, द ब्रांच ऑफ साइंस और केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, ये जो ब्रांच ऑफ साइंस होता है ना जिसके अंदर हम स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप उसकी लोड ना ले, बस आप सुनते रहें। तो देखिए हमने सीखा कि अभी तक दो टाइप के स्पेक्ट्रम होंगे, पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रम। नाम से ही पता चल रहा है कि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी कि जितना आ रहा है उतना हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई। इमिशन में क्या होगा, जितना आएगा उतना हमें मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक सॉल्यूशन लेते हैं, हाँ एक एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन लेते हैं। ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें लिक्विड हो सकती है, तो आपको उसके पीछे बिल्कुल परेशान नहीं होना कि इसमें हमने क्या लिया क्यों लिया, क्योंकि ये अलग अलग लाइट्स की रेडिएशंस के लिए अलग अलग मिक्सचर बनाई जाती है लैब में। ठीक है, ये कोई एक प्योर सब्सटेंस नहीं है जिसका कोई नाम बता दे आपको, तो इसको हम सिर्फ इतना कहते हैं एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस या एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो बताइए इससे पहले मैंने क्या किया था, डायरेक्ट एक लाइट आ रही थी उसको मैंने प्रिज्म पे डाला था और मुझे सातों कलर मिल गई थी। अब मैं वही वाइट कलर की लाइट को पहले एक सॉल्यूशन से पास करूंगा जिसमें कि मैंने एब्जॉर्बिंग लिक्विड या एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस मिलाया है, जो कि क्या करेगा, ये जो लाइट आ रही है एक्चुअली, तो ये जो वाइट कलर की लाइट आ रही है ये एक ही कलर की लाइट है या इसमें सात कलर है, सात कलर है ना। तो अब ये जो सॉल्यूशन है इसकी जो क्वालिटी होती है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये है कि आने वाली लाइट्स के कुछ रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि वो उनको बाहर जाने नहीं देगी। ध्यान रहे सबको नहीं, कुछ ही रेडिएशंस को। अब ये डिपेंड करेगा कैसी लिक्विड है और कैसे नेचर को ये अडॉप्ट करके एब्जॉर्ब कर पाती है, इसको डिटेल्स में हमको सिखाया जाता है ग्रेजुएशन में, तो आप बिल्कुल लोट ना ले, बस थोड़ा सा जानते रहें। अब मान लेते हैं ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कुछ ऐसी वेवलेंथ्स आ रही हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो देखिए इसमें सात कलर आ रही हैं, सातों के वेवलेंथ अलग अलग होगी, जो कलर ये एब्जॉर्ब कर लेगा फिर वो लाइट यहाँ आएगी, यहाँ से स्पेक्ट्रम पे हम उसकी इमेज बनाएंगे जैसे पीछे किए थे, यानी स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे हम इमेज देखेंगे। तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा कि इस बार यहाँ पे ये सातों कलर दिखाई नहीं देंगी। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई एक वाइट लाइट को हम एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से पास करा के उसकी स्प्लिटिंग कराएं प्रिज्म की हेल्प से और फिर फोटोग्राफिक प्लेट पे हम उसको एब्जॉर्ब करें, तो मुझे सातों कलर देखने को नहीं मिलता, उसमें से कुछ कलर गायब हो जाएंगे। तो कलर गायब होंगे तो वहाँ मुझे क्या मिलेगा, वहाँ मुझे ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी। कौन सी लाइन? ब्लैक। अब बताइए क्या मेरे रेनबो कलर्स में कहीं भी ब्लैक कलर है? नहीं है। वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज एंड रेड, ब्लैक तो कोई कलर ही नहीं है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ डार्कनेस अंधेरा होता है ना, उसी को हम ब्लैक कहते हैं। तो देखिए यही होगा, ये जो एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन वो क्या करेगा, यहाँ से आने वाली लाइट में से कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं उनको वो जाने ही नहीं देगा बाहर। फिर जब हम इसकी स्प्लिटिंग कराएंगे फोटोग्राफिक प्लेट पर एब्जॉर्ब करेंगे, तो मान लीजिए अगर इसने रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है तो यहाँ पे जो मुझे रेड कलर मिलना चाहिए वहाँ पे मुझे एक सिर्फ ब्लैक कलर की लाइन मिलेगी, यानी कि रेड कलर गायब हो जाएगा।
सिंपल सी बात है, सात कलर आ रही थी, इसमें से मान लीजिए इसने दो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ इस प्लेट पे आपको दो कलर दिखाई नहीं पड़ेंगी, सिर्फ पांच कलर ही दिखाई पड़ेंगी जो कि यहाँ तक पहुँच पाई। अब इसमें से मान लीजिए ब्लू कलर गायब होता तो आपको यहाँ ब्लू कलर मिसिंग दिखती, यानी कि जो कलर ये ऑब्जर्व कर लेगा वो कलर हमें इस स्पेक्ट्रम पे दिखाई नहीं पड़ेंगे, और वहाँ पे मुझे ब्लैक कलर की लाइन दिखाई पड़ती है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया होगा? आइए तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन विल बी मिसिंग, इसमें से जो रेडिएशन ये एब्जॉर्ब कर चुका होगा वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे मिसिंग होगी और वहाँ पे मुझे ब्लैक कलर की लाइन देखने को मिलेगी। यही चीज़ यहाँ लिखा भी है, नोट पॉइंट, इट अपीयर्स एज डार्क लाइन्स ऑन अ कलर्ड बैकग्राउंड। अब यहाँ पे जो मिसिंग था वो किस कलर से दिखेगा आपको? डार्क लाइन से, और बाकी सब कैसे दिखेंगे? कलरफुल। अगर इन पूरे सॉल्यूशन से पास होने वाली लाइट में अगर सॉल्यूशन का नेचर ऐसा था कि वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगी तो बाकी छह कलर तो मुझे इसमें दिखाई पड़ेंगे, लेकिन रेड कलर की जगह मुझे क्या दिखाई पड़ेगा? ब्लैक कलर। तो इसका अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं हम, इट अपीयर्स डार्क लाइन्स, ये डार्क लाइन्स की तरह दिखेगा कहाँ पर? कलरफुल बैकग्राउंड पर। यानी कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो तो कलरफुल होगा, लेकिन उस पर जो लाइन्स मिसिंग है या जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई उसके जब मुझे क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। लाइट कट गई है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर हम आगे इस मिसिंग स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे, तब तक आप वेट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड टाइप जो होता है हमारा स्पेक्ट्रम का, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। अब तक हमने कौन देखा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देखा। उसमें क्या होता है, जब किसी भी लाइट को हम एक एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस से, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से पास कराते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन होगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दैट, वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वो उसको आगे जाने नहीं देगा। फिर वो लाइट वहाँ से जो निकलती है, यानी कि जो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुई थी, वो लाइट जब बाहर निकलती हैं हम प्रिज्म से उसको पास कराते हैं, स्प्लिटिंग होती है, फिर फोटोग्राफिक प्लेट पे हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो उस स्पेक्ट्रम में मुझे क्या देखने को मिलता है कि जो वेवलेंथ उस सॉल्यूशन ने अब्जॉर्ब किया था वहाँ पे वो कलर मिसिंग होगी और उसके जगह पे हमें एक ब्लैक कलर की लाइन मिलती है। इसके अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये कैसे अपीयर होता है? एज डार्क लाइन्स ऑन द कलरफुल बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड तो कलरफुल रहेगा और उस पर ये जो है वो डार्क लाइन की तरह हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए क्या होता है, लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी सोर्स से लाइट आई, फॉर एग्जांपल सन से जो लाइट आ रही है, सनलाइट, मैंने उस लाइट को डायरेक्ट बिना किसी एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से पास कराए डायरेक्ट मैंने उसको प्रिज्म पे डाला। प्रिज्म क्या करेगा, उसकी स्प्लिटिंग करेगा, यानी कि वो सेवन कलर्स उसको स्प्लिट करेगा अलग अलग, और फिर मैं फोटोग्राफिक प्लेट पर इनकी स्पेक्ट्रम बना सकता हूँ। और मुझे यहाँ पर जो कलर्स मिलेंगे बताइए वो कौन कौन से कलर होंगी? हाँ, यहाँ पर सातों कलर्स होंगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहाँ पर क्या कोई कलर मिसिंग हो सकती है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ भी कोई भी मिसिंग कलर देखने को नहीं मिलेगी। इट अपीयर्स एज कलर्ड लाइन्स ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। इसकी अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये डार्क बैकग्राउंड पे कलरफुल लाइन्स दिखती हैं। हाँ, कैसे दिखती हैं? डार्क बैकग्राउंड पे कलरफुल लाइन्स दिखती हैं, जबकि पीछे एब्जॉर्प्शन में हमने देखा था डार्क लाइन्स कलरफुल बैकग्राउंड पे मिलती हैं। तो ये छोटा सा थ्योरेटिकल डिफरेंस है जो कि आपको माइंड में रखना है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मुझे डार्क लाइन्स मिलती है कहाँ? बैकग्राउंड, कलरफुल बैकग्राउंड पे, और यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रम में मुझे डार्क बैकग्राउंड पे कलरफुल लाइन्स मिलती है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया है, सिंस अपीयरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम इज अपोजिट टू इच अदर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम की जो अपीयरेंस वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, देयरफॉर दे आर नोन एज फोटो नेगेटिव ऑफ इच अदर। इसलिए हम इनको एक दूसरे का फोटो नेगेटिव भी कहते हैं। फोटो का मतलब हाँ लाइट है, और नेगेटिव का मतलब अपोजिट, इनके नेचर बिल्कुल अपोजिट है।
पहला अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्या मिलती है मुझे, डार्क लाइंस, बैकग्राउंड कलरफुल। यहाँ पे मुझे डार्क बैकग्राउंड मिलेगा और कलरफुल लाइंस मिलेंगी। क्योंकि अब मैंने ये सीख लिया तो अब मैं आगे डिस्कस करूँगा कि इमिशन स्पेक्ट्रम के कितने टाइप होते हैं। हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के कोई टाइप नहीं मुझे डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है इमिशन स्पेक्ट्रम का टाइप। ये कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। फिर उसमें भी हम आगे देखेंगे तो वो भी दो टाइप्स के डिवाइडेड होते हैं। अगर हम मैं इसकी बात करूँ कि इसके कौन कौन से दो टाइप होते हैं, तो एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकंटिन्यूस। हाँ, अब कंटिन्यूस नाम से पता चलेगा कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम बनेगा जिसमें कि जो कलर्स हैं वो लगातार होंगी, यानी कि वो कुछ ऐसे डिजाइन होती हैं कि उनके बीच आप गैप नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ, पहले हम समझते हैं फिर तो हम आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये स्पेक्ट्रम है और कौन सी कलर मैं ले लूँ, रेड तो हो गया ना, ब्लैक, ये ब्लैक कलर हुआ, इसी तरह ये ब्लू कलर हुआ। अगर ये कलर्स आपको विजिबल है तो क्या आप मुझे ये देख के बता सकते हैं कि इसमें कहाँ पर रेड कलर खत्म हुआ और ब्लैक शुरू हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर रेड खत्म हो रहा है और उसके नीचे ब्लैक स्टार्ट हो रहा है। फिर कहेंगे कि आप ब्लैक और ब्लू, ये जो लाइट ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर, इसमें क्या कोई डिफरेंस है, आप बता सकते हैं कि वो कहाँ सेपरेट हो रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ देखिए ब्लैक खत्म हो रहा है और यहाँ से ये ब्लू स्टार्ट हो रहा है। सही बात है ना, यानी कि ये कलर के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन डिसकंटिन्यूस, या इसको सिंपल सा हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हाँ, इसको हम नॉन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगातार नहीं है, एक कलर खत्म होगी फिर दूसरा स्टार्ट होगा, और दोनों कलर में एक कब खत्म हुआ दूसरा कब स्टार्ट हुआ ये चीज़ आपको फील हो जाएगी। जबकि कई बार ऐसे भी स्पेक्ट्रम हमें दिखाई पड़ते हैं जिसमें कि एक कलर खत्म होता है और दूसरा स्टार्ट होता रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि सर हाँ यहीं पे ये खत्म हुआ और यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इसमें तो हमें फील हो जा रहा है जबकि बाकियों में फील नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेनबो की बात करें, तो अगर कभी आपने रेनबो देखा होगा तो एक कलर जैसे वायलेट खत्म हो रहा है तो ठीक उसके बाद इंडिगो स्टार्ट होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कहाँ वायलेट खत्म हो गया और कहाँ इंडिगो स्टार्ट हुआ, यानी कि एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, वो लगातार आते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तभी आपको दोनों का मतलब समझ में आया। हाँ, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जिसमें कि एक कलर खत्म होता है और दूसरा स्टार्ट होता है, और मुझे देख के पता नहीं चल पाएगा कहाँ पे ये कलर खत्म हुआ और ये दूसरा कलर स्टार्ट हुआ, यानी कोई एक दूसरे में एकदम मर्ज रहेंगे। जबकि अगर मैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो ये ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि एक कलर खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है, और आप देख के बता सकते हैं कि हाँ सर ये कलर यहाँ खत्म हो रहा है और ये कलर यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। जबकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आप सेपरेशन नहीं कर सकते। आइए डिस्कस करते हैं, पहला कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। टू कलर्स कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड। अगर हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये लगातार होते हैं, यानी कि एक कलर खत्म होगा दूसरा स्टार्ट होगा, आप नहीं कह पाएंगे कि कौन सा कलर कहाँ खत्म हुआ दूसरा कब शुरू हो गया। हाँ, थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ आ गया, लेकिन आपको एक लाइन ड्रॉ करके नहीं बता सकते सर इसके ऊपर ये कलर है और इसके नीचे ये कलर है, आप ये काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच के दो कलर्स को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट या सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या आ गया, रेनबो। वही अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो ये होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसका मतलब टू कलर्स, क्योंकि अगर कलर्स अलग हैं तो जाहिर सी बात है उनकी वेवलेंथ भी क्या होंगी, अलग होंगी। सो टू कलर्स या टू वेवलेंथ्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। यहाँ पर दो अलग अलग वेवलेंथ्स को आप सेपरेट कर सकते हैं या आप बता सकते हैं सर ये कलर यहाँ खत्म हो गया और ये कलर यहाँ से स्टार्ट हो सक गया, यानी कि आप सेपरेशन लिमिट डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ खत्म होगी और ये चीज़ स्टार्ट होगी।
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हाँ, अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहले मैंने पढ़ा स्पेक्ट्रम, फिर मैंने पढ़ा स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। फिर मैंने देखा कि जो ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, ये दो टाइप का होता है, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस। फिर मैंने देखा कि ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये अगेन दो टाइप का होगा, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। बस वो लास्ट है, उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर हम रिकैप्चुलेट भी करा देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो देखिए, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो दो टाइप के मिलते हैं, पहला लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम। तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं कि बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर ना जैसे नाम से चला बैंड, बैंड वर्ड एक कलेक्टिव नाउन होता है, यानी कि कलेक्शन की बात करता है। एक लेयर खत्म होगा, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर। जबकि अगर हम वहीं पर लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो नाम से चला लाइन, यानी कि एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, यानी कि लाइंस के फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर बैंड के फॉर्म में, यानी कि कलर के लेयर्स देखने को मिलेगा। देखिए क्या कहा गया, डिस्क्रीट बैंड्स। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेंड। देखिए, ये रेड कलर का बैंड, फिर ये ब्लैक, ये ब्लू, ऐसे करके अलग अलग बैंड आपको देखने को मिलेगा, पूरा लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। जबकि अगर आप लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो आपको सिंपल से एक लाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपने ब्लू ले लिया तो अगला ये ब्लैक लाइन हो गई, फिर आपको ये रेड लाइन हो गई। देखिए लाइंस है, ये लाइन के फॉर्म में है, जबकि ये क्या है, बैंड के फॉर्म में, एक लेयर वाइज, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। तो बैंड कौन बनाएगा और लाइन स्पेक्ट्रम कौन बनाएगा, ये भी समझ लेते हैं यहीं पर। अब देखिए, बैंड क्या है, कलेक्शन दिख रहा है, कलेक्शन का मतलब वो ग्रुप से बना होगा, और लाइन का मतलब वो सेपरेट है, अलग अलग। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, दीज आर फॉर्म्ड बाई एटम्स, ये जो एटम्स होते हैं ना, वो बनाते हैं। अब ये तो ग्रुप है, तो एटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हाँ वेरी गुड, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम, जबकि जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। अभी आपको क्लियर हुआ, चलिए अभी कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, बैंड स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड CO। CO2 भी एक मॉलिक्यूल है, CO भी एक मॉलिक्यूल है। इसमें कितने एटम्स हैं, तीन, एक कार्बन के, दो ऑक्सीजन के। जबकि अगर हम यहाँ पूछे तो दो एटम्स हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन अ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल माना जाता है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बैंड बनाते हैं वो बैंड कैसी होगी, हाँ दैट विल बी ऑफ इमिशन नेचर। वो किस नेचर का होती हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम का नेचर को शो करती हैं, डिसकंटिन्यूअस होंगी, और फाइनली हम उनको बैंड स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रखते हैं और उनको स्टडी करते हैं। वहीं पे अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो देखिए हमें क्या मिलती है, डिस्क्रीट लाइंस मिलती हैं। वहाँ मुझे क्या मिलते थे, डिस्क्रीट बैंड्स। यहाँ मुझे क्या मिलेंगे, डिस्क्रीट लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट वेवलेंथ्स आर ऑब्टेंड। लाइन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय द एटॉमिक स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम भी हो सकते हैं, बट आप कोई भी एक हाइड्रोजन एटम या कोई भी ऐसे एटम्स को लेके डिस्कस कर सकते हैं जो कि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये डायग्राम में लाइन से दिखाएंगे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, जबकि वहाँ पे मुझे क्या पूरा का पूरा एक लेयर, जैसे कि ये है तो ये एक पूरा कलर का लेयर रहेगा, फिर यहाँ के इसी के ठीक नीचे एक दूसरा कलर का लेयर बनेगा, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख ले, ये हो गया एक ब्लैक कलर का। इसी तरह अगर आप एक और ले लें तो रेड मेरे पास अवेलेबल है, मैं रेड ले लेता हूँ, तो एक और नया बैंड बन गया, और ये जो बैंड बन रहा है ये रेड कलर का हो गया। अब ध्यान से देखिए इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, यहाँ पे बैंड मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम और इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कौन बनाता है, एटम्स। बैंड स्पेक्ट्रम कौन बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो बताइए मुझे तो हाइड्रोजन के लिए सब पढ़ना है, क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। तो बताइए अगर मैं हाइड्रोजन के लिए डिस्कस करूं तो हाइड्रोजन
से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा होगा, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर बैंड स्पेक्ट्रम? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डेट विल बी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है, और एटम्स के लिए क्या डिफाइन होता है? गुड, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। तो पहले हम एक रिकैप्चुलेशन देख लें। पहले हमने क्या पढ़ा? स्पेक्ट्रम। फिर हमने पढ़ा दो टाइप से स्पेक्ट्रम होते हैं, कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। फिर हमने देखा इमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिर मैंने देखा कि जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये भी दो टाइप की होती है, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। एक बार फिर से मैं आपको पूरा रिकॉल करा दूं। तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक ऐसा फोटोग्राफिक प्लेट जिसपे कि आपको सारे कलर्स देखने को मिल जाती है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये दो टाइप के होंगे, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, जो लाइट आती है उस लाइट को एक एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन या सब्सटेंस से पास कराते हैं, जो कि किसी फिक्स्ड वेवलेंथ वाली रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ पे वो कलर्स जो कि पहले एब्जॉर्ब की जा चुकी थी वो क्या हो जाती हैं, डिसअपियर, और मुझे वहाँ पे क्या मिलती है, डार्क लाइंस। अगर हम उसके अपीयरेंस की बात करें तो इट अपियर्स एज डार्क लाइंस इन बैकग्राउंड कलरफुल, जिसका लाइंस तो डार्क रहेंगी लेकिन बैकग्राउंड कैसा रहता है, कलरफुल। वहीं पे अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इमिशन स्पेक्ट्रम के अपीयरेंस की अगर आप बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो लाइंस मिलेंगी वो तो कलरफुल होंगी लेकिन जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, डार्क। इसीलिए हम इमिशन और एब्जॉर्प्शन के एक दूसरे का फोटो नेगेटिव भी कहते हैं। फिर मैंने देखा कि ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है दैट इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस एंड द सेकेंड वन इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम होते हैं जिसमें कि दो कलर्स के बीच आप गैप नहीं बता सकते, यानी कि एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। जबकि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम होते हैं जिसमें कि आप प्रॉपर गैप बता सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं दे आर अगेन डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम्स आर फॉर्म्ड बाई मॉलिक्यूल्स, वेयर एज लाइन स्पेक्ट्रम्स आर फॉर्म्ड बाई एटम्स।